डोली कैसे करता है चाय वाला? अरे मेरे से गिर ना जाए, मेरी मम्मी तोड़ेगी मेरे को। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू एपिसोड गाइस। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया ही होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू एपिसोड में गाइस। सो आपको अपने पिछले व्लॉग में अगर देखा हो तो मैं लेके आया था एक प्रोटीन, तो आज मैं उसी का रिव्यू करने वाला हूँ। मैं बताऊंगा कि मैं वो क्यों यूज कर रहा हूँ एज अ बिग। तो अगर आप भी जिम जाते हो और आप कोई प्रोटीन ढूंढ रहे हो किसी बजट, मैं भी काफी टाइम से उस प्रोटीन को यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा प्रोटीन है। सो वो ये वाला प्रोटीन है, मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोटीन को यूज़ कर रहा हूँ। ये है MB का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे प्रोटीन। अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं है, अभी मैंने काफ़ी टाइम हो गया था मैं यूज़ नहीं कर रहा था। सर्दियों में मैंने अपना वेट गेन नहीं करा, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे अब मैं वेट गेन करूँ, तो उसी के लिए मैं ये लेके आया हूँ। एक मैं लेके आया हूँ ये वे प्रोटीन, दूसरा मैं लेके आया हूँ ये है क्रिएटिन। ये बहुत चल रहा है क्रैम्प क्रिएटिन, ठीक है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो सो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, कि आपको ये क्यों लेना चाहिए। भाई देखो, साफ बात है, अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आजकल तो किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भी करके देख लिया। मैं भी जब पहली बार जिम लगा था, मेरे को भी कई लोगों ने बोला, जिम वाले बंदे ने बोला था कि भाई ये वाला प्रोटीन ले लो बहुत बढ़िया है। चलो मैंने उस पर भरोसा करके, उसकी बॉडी अच्छी खासी थी, भरोसा करके मैंने प्रोटीन लिया था। लेकिन मुझे उसका प्रोटीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, एक रुपये का भी पसंद नहीं आया, ठीक। सो मैंने जब से, और मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी, मैं एक साल बीमार रहा था कम से कम। मेरे को दो चीज़ें दिलवाई थी, एक मेरे को टैबलेट भी दिलवाई थी, और मैं वो दो तीन टैबलेट खाते ही मैं बीमार हो गया था। सो मैंने तो भाई भरोसा छोड़ ही दिया, जिम वालों से कभी प्रोटीन वगैरह लेने चाहिए। कई कई होते हैं, हर कोई नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो मैं अपने वाले का पहले बता देता हूँ। इसलिए मैं अब जो विश्वास करता हूँ ना, मैं एक बंदे पे ही, एक ही शॉप है जिसपे मैं विश्वास करता हूँ, वो हेल्थ कार्ड है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर वन पोजीशन पे आई है हेल्थ कार्ड, ठीक है, आप चेक कर लेना। तो मैं उसी से लेके आया हूँ, उसी से लो पूरा गारंटेड, कोई फेक का तो चांस ही नहीं हो आप मिलने का, बस इसीलिए मैं वहाँ से लेता हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लेते हो वहीं से लेना, ये कोई प्रमोशन नहीं है कि मेरे को आया प्रमोशन कि मैं कर रहा हूँ, नहीं भाई, अपने पैसे लेके मैंने पैसे खर्चे तभी जाके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि पैसा खर्चा तो भाई वीडियो आपको दिखाना तो बनता है। सो भाई इसमें जो है ना, आपको ये सब हैं, देखो ये प्रोटीन है, 25 ग्राम प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह है, ये फैट्स हैं, आप पढ़ लेना, मेरे को तो इतना वो सब वो नहीं है, और ये एमिनो एसिड वगैरह है, ठीक है। सो इस सब की जरूरत नहीं है। इसको मिलाने का तरीका मैं सबसे बड़ा बताऊं, मिक्स होता है एक नंबर बढ़िया होता है। 200 ml पानी लेना आपको ठंडा, उसमें एक स्कूप पूरा भरा हुआ प्रोटीन लेना है, उसमें 36 ग्राम प्रोटीन होता है, और एक ये है, और उसमें 15 से 20 सेकंड उसको वो करना है, क्या कहते हैं, शेक करना है, उसके बाद सीधा गट 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 पी जाना है। सो मैं आपको अभी पी के भी दिखाऊंगा, उससे पहले हम इसको पहले खोलते हैं। और भाई ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका भी बहुत मार्केट में इसका बहुत वो चल रहा था, ये भी बढ़िया चल रहा था, इसलिए इसमें अपनी ये ना हमारी बॉडी में मतलब पंप लाता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं इसको एक महीने यूज़ करने के बाद ही बताऊँगा कि ये भाई हाँ पीने लायक है या नहीं, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। मैं पीता हूँ तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मैं इसको एक महीना यूज़ करके इसके बारे में कोई बताऊँगा कुछ, क्योंकि अभी मेरा वेट जो है 65 के अराउंड है। अभी एक महीने पता लग जाए कि ये कितना इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, अभी पता ही लग जाएगा। बाकी इसमें स्कैनर वगैरह है, आप स्कैन करके देख सकते हो, ठीक है। ये भी ओरिजिनल है, इसको मैंने खोल दिया था, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये मैंने खोल दिया था, ये देखो इसमें भी कोड वगैरह है, इसको आप स्कैन करके SMS भेजोगे, ऐसा कुछ आता ही, बहुत पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो। रुको मैं एक सेकेंड, ये देखो ऐसा कुछ आता है, ये जो इसमें बीच में पड़ा हुआ है, इससे उसमें वो नहीं बनते, जो मोटे मोटे से वो नहीं बन जाते लंग्स टाइप के, तो वो नहीं बनते, ठीक है। सो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 दिन से, मेरे को तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं ले रहा हूँ 3-3 ग्राम, अभी मैंने एक ही सर्विंग इसके लिए। सो सबसे पहले इसको ही अनबॉक्स करते हैं, ठीक है, अभी तक तो मैंने इसे खोला भी नहीं है। सो भाई एक हाथ से अनबॉक्स करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसमें भी इसकी जो मैं सबसे बढ़िया मेरे को चीज़ लगती है इसका ना, वो सही है, ये जो पैकिंग करने का तरीका है ना, बहुत एक नंबर हो, अभी आप देखोगे बहुत बढ़िया तरीका है इसमें। और इसकी सील ये देखो यहाँ लगी पड़ी है, अब मेरे को इसको भी उखाड़ना पड़ेगा, और एक हाथ से उखाड़ना भाई बहुत ही मुश्किल। तो मैं अपना ब्रह्मास्त्र निकालता हूँ और यहाँ से मारता हूँ, एक सेकेंड, तो यार मैं सील वही कर लेता हूँ पहले, रुक। सो भाई मैंने इसकी सील ये देखो काट ली है, ठीक है, अब इसको खोलते हैं, इतनी प्यारी पैकिंग आती है ना, ये देखो पैकिंग के अंदर पैकिंग, ठीक है, अब इसको भी खोलना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि ये कागज़ हल्का फुल्का नहीं है, बड़ा मोटा कागज़ है, इसको साढ़े को पैरों के बीच में फंसाओ, एक हाथ से वीडियो बनाना और दूसरे हाथ से इसकी, अब कौन जाए चाकू वाकू लेने, ऐसे फाड़ दो,
ये देखो मैं, ये देखो आपको ना इसमें ना स्कूप वगैरह ढूंढना नहीं पड़ता, लेकिन और जैसे प्रोटीन होते हैं तो मैं दिखाता हूँ, इसमें सीधा आपको ऐसा मिलता है, ठीक है। ये रहा सीधा स्कूप, इसको निकालो और अपना प्रोटीन लो और कपा कप पी जाओ। भाई बड़ा फंसा हुआ यार ये तो, ये निकल गया, ये निकल गया। ये रहा इसका प्रोटीन, 36 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें एक में, ठीक है। सो असली की पहचान बताऊँ इसमें आपको, ये देखो अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, जो है मैंने वो कर दिया। अब देखो असली की पहचान क्या होती है, कभी भी ना प्रोटीन आपके ना वो जो साइड में होते हैं ना, ये देखो वहाँ पे चिपकता नहीं है, मैं आपको हाथ डाल के दिखाता हूँ, ये देखो बाकी सब प्रोटीन होते हैं ना वो यहाँ पे चिपक जाते हैं साइड में। मुझे किसी ने बोला था कि असली की पहचान यही होती है कि वो कभी भी प्रोटीन ना आपकी जो साइड में जो ये जो कॉर्नर वगैरह होते हैं ना, ये देखो बहुत रेयर होता है, चिपकता नहीं है, ये देखो बहुत रेयर है, बहुत वो है। और इसका जो फ्लेवर मैं बताऊँ आपको, इसका फ्लेवर है, कहाँ लिखा है फ्लेवर, फ्लेवर फ्लेवर कहाँ है भाई, गिरा केसर ठंडाई, ठीक है। क्योंकि मैंने आज नया, मैंने चॉकलेट भी यूज़ कर लिया, आइसक्रीम वाला चॉकलेट भी, कई सारे प्रोटीन मैंने वो कर लिए, देखो पूरा भरा हुआ है, अभी नया नया खोला है। सो चलते हैं एक बढ़िया सा शेक बनाते हैं, मेरा टाइम भी हो गया है शेक एक पीने का बढ़िया सा, ठीक है। सो एक बनाना शेक बनाते हैं, उसमें ये डालते हैं, एक स्कूप क्रिएटिन भी डालते हैं। सो भाई हम सबसे पहले कुछ नहीं करना, 2 केले आपको छील के डालने, मेरे पास ज्यादा कुछ है, अगर आपके पास पीनट बटर है तो आप वो भी ले सकते हो। सो भाई मैंने 2 केले डाल दिए, आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले दूध निकाल लेते हो, डोली वाला स्टाइल मारेंगे, वो 200 से 250 ml जितना भी दूध ले सको। डोली कैसे करता है, चाय वाला, अरे मेरे से गिर ना जाए, मेरी मम्मी तोड़ेगी मेरे को। अरे भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, ठीक है। मैं 1 चम्मच क्रिएटिन भी डाल रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आपको आप अगर प्रोटीन चला रहे हो सिर्फ प्रोटीन डाल सकते हो, 1 चम्मच डाल देता हूँ, ये चला गया 1 चम्मच, ये रहा प्रोटीन, 1 स्कूप आपको भरना है पूरा, ठीक है, और डालना है इसमें, ये डल गया। भाई ये शेकर देख रहे हो, मेरे को शेकर भी वहीं से मिला था। सो आप इसको डालो, अभी देखना कितना गाढ़ा गाढ़ा है, ये देखो ये पसंद नहीं आ रहे, इसमें बीच बीच में आते ना, ये देखो ये केले, चल कोई नहीं चल जाएगा, मिलता हूँ आपको मैं। सो भाई मैं इसका ना ये वाला फ्लेवर पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कौन सा था, केसर ठंडाई, इसका पहली बार मैं फ्लेवर चेक करने वाला हूँ। पूरा केसर जैसा फ्लेवर है, और इसमें ना मैंने ना वो आइस क्यूब डाल दिए हैं बड़ी सारी, तो निकल नहीं रहा, और बड़ा थिक पेस्ट है, थिक की तरह एकदम थिक, हैवी हैवी सा नहीं होता जैसे जूस होता है वैसा है बिल्कुल। सो अगर आप बिगनर हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर, किसी की भाई किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको भरोसा है कि हाँ मेरे को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस सबसे लो, करो अपने मन की, ठीक है। सो एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे को, तो मैंने एक बार ट्राई किया, मैं दूसरे पे गया ही नहीं ना, मैं इंटरनेशनल ब्रांड पे गया हूँ, ये इंडियन ब्रांड है MB का, ठीक है, मैं इसी पे हूँ और इसी पे गया हूँ। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, और आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और भी कोई सवाल हो वर्कआउट से रिलेटिव, किसी से भी रिलेटिव, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है _deep_968, आप उस पर मेरे को मैसेज करना, ठीक है। सो मिलते किसी बढ़िया से ब्लॉग के साथ, चिल देन, बाय बाय, लव यू।